कृष्ण जी काली है और भगवान राम जी तारा है। ये जो दस महाविद्याएं इनके इनके दस स्वरूप है। आपको जो भगवान विष्णु के जो क्रमबद्ध दस स्वरूप मिलेंगे ना, वही मिलेगी। राम जी की शक्ति तारा माता है। आप मुझे बताओ कि एक अपन चना देखते हैं, चने में क्या होता है, उसके दो टुकड़े कर दिए तो क्या बनती है, दाल बनती है, लेकिन है तो चना एक ही ना। इसी प्रकार से शंकर जी और माता पार्वती जी दो स्वरूप है लेकिन एक ही, इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप प्रकट करके बताया। अगर शंकर जी को मानते हो और अगर माता पार्वती जी को नहीं मानते हो तो आपकी पूजा व्यर्थ हो। अगर कृष्ण जी को मानते हो, राधा जी को नहीं मानते हो तो आपकी पूजा व्यर्थ हो गई। उसी प्रकार से आप अगर विष्णु जी को मानते हो, लक्ष्मी जी को नहीं मानते हो, और राम जी को मानते हो और सीता जी को नहीं मानते, राम की शक्ति ही सीता है और कृष्ण भगवान स्वयं माँ काली के स्वरूप है। पूरे जितनी माँ काली ने भक्तों की रक्षा करने के लिए पूरे आप देखे ना, पूरे देवी महात्मा में जितने माता रानी ने जितने उपाय किए भक्तों की रक्षा के लिए, काली भी बनी, दुर्गा भी बनी, चामुंडा भी बनी, कृष्ण भगवान ऐसे ही बने, भले बुरे बन गए हो लेकिन उन्होंने रक्षा करी। क्योंकि तंत्र जगत में कृष्ण जी का मंत्र आप सुना, क्लीम लगाते ना उनके इसमें, और क्लीम बीज माँ माया का है, माँ भगवती का ही बीज है। निराकार स्वरूप की हम पूजा कर नहीं सकते, निराकार स्वरूप की, निराकार स्वरूप की करते हो, निराकार स्वरूप की करते हो तो आपको फिर ये मोह माया सब त्यागना होगा। मतलब कि पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, ये साधना साधना पड़ेगा। इसीलिए हम शिव शक्ति जैसे करते तो उनके जैसे रहना चाहते। माता रानी आप भी शक्ति के साथ में, हम भी एक शक्ति प्रदान कर दो, आपके भी बच्चे हम भी बच्चे प्रदान, मतलब एक परिवार के रूप में रहना चाहते तो हमें उसी शक्ति की आराधना पड़े। अगर निराकार के स्वरूप में जाऊंगे तो निराकार के लिए फिर तुमको ये मोह माया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो मोह ही नहीं, वो तो फिर अपने शरीर में प्राण कहाँ है, प्राण अपने शरीर में श्वास में है, श्वास को ही योगी क्या करते हैं, अष्टांग योग तो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि उनकी पीछे चले रहते हैं, उनकी यात्रा चलती रहती है, लेकिन हमको सब चाहिए तो भगवान ने कहा है कि तुम उनको छोड़ो मत। भाई शिव जी की शक्ति माता पार्वती जी, तो तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें शक्ति प्रदान हुई, शक्ति से वंश बड़ा, कुल बड़ा, धर्म की रक्षा हो रही, सब कर रहे हो, भक्ति कही। ऐसा भी नहीं है कि तुम भक्ति अकेले यही मंदिर में बैठ के कर रहे हो, तुम अगर खेत में काम भी कर रहे हो, सोयाबीन भी काट रहे हो तो भी भक्ति कर, कहीं भी भक्ति कर रहे हो वो 24 घंटे हर क्षण हर समय। लेकिन एक रहस्य है सबसे बड़ा, रहस्य ऐसा है कि माँ पार्वती जी, माँ पार्वती जी शांत मुद्रा में हिमालय पे रहती थी, पर्वत पे रहती थी, तो माता जी को ज्ञात ही नहीं था कि मैं शक्ति, भगवान शिव को बताते थे कि देवी तुम तो महाशक्ति हो, तुम इस जगत का कल्याण कर सकते हो, तो बोलते कि नहीं भगवान प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, ये भक्त लोग आ रहे हैं निराश हो रहे हैं, ये देखो इनको कोई रक्त बीज मार रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ये ऋषि मुनियों की हत्या हो रही, देवी तुम अवतार लो। देवी को जब जगाते थे शिव जी दुर्गा सप्तशती से, देखो पूर्ण रहस्य है माता जी की कि देवी तुम शक्ति हो, तुम अपने बच्चों की रक्षा करो, फिर देवी अवतार लेती थी, तो देवी ने ऐसे अवतार लेती गई, असत्य भी वैसे ही बढ़ते गए। क्या आज असत्य नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। सबसे पहले हमारे माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में जीव रक्त के रूप में तैयार होता है, गोला बनता है, गोले के बाद में फिर हड्डी, तो ऐसे ही पहले प्रथम जो महाविद्या है माँ काली है, शून्य है, मतलब निराकार है वो, फिर उसके बाद में तारा आ जाती है, तो हड्डियाँ हड्डियाँ काली तारा महाविद्या षोड़शी, षोड़शी कामाख्या देवी काली तारा महाविद्या षोड़शी गुणेश्वरी, फिर भैरवी, फिर छिन्नमस्ता जो मैया ने अपने बच्चों के लिए गर्दन काट दी, ये गर्दन ही उड़ा के रख दी माता ने, लो बेट बच्चों, छिन्नमस्ता, फिर धूमावती जो विधवा बन गई माता जी स्वयं ही, जो विधवा नारियां हैं उनको भी प्रेरणा देती है। अब आप बच्चियों की बात कर रहे हो, लेकिन अब जिनके पति गुजर गए वो कौन सी माँ को पूजे, कौन सी माँ उनके ऊपर कृपा करेंगी, तो बोलते कि मैं तुम्हारे माँ धूमावती रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ धूमावती रूप की पूजा करते हैं, सुहागन महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करते, और अगर हम भी करें तो कुछ समय के लिए माँ की उपासना कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उस स्वरूप से आगे बढ़ना पड़ता है।